मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। बीते दिनों से तपतपाती धूप लोगों की जान सुखा रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें गर्मी के थप्पड़ों का सामना करना पड़ता है। नौतपा भी उतना नहीं तपा जितना अब तप रहा है। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय ने हवा से नमी खींच ली है। इसी कारण प्रदेश में सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं। इसके असर से दिन तो गर्म है ही, मगर अब रातें भी तपने लगी हैं। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बीती रात न्यूनतम पारा 25 डिग्री के पार पहुंच गया। सीधी और टीकमगढ़ में तो ये 30 डिग्री से ज्यादा था। सीनियर मौसम वैज्ञानिक H.S. पांडे ने बताया कि शनिवार को बादल कम हो गए थे, दूसरी ओर नमी भी तूफान की ओर चली गई थी। इसी कारण आसमान साफ रहा और तापमान बढ़ गया। अगले दो दिन तक प्रदेश में भीषण गर्मी रहेगी, इसके बाद ही तापमान में गिरावट होने की आशंका है। 20 जून के बाद ही प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। हालांकि रविवार को इंदौर के साथ साथ 15 जिलों में बादल और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं छतरपुर में रविवार सुबह तेज बारिश भी हुई। अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो भोपाल में भी दिन का पारा 41 डिग्री के पार चल रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूलों को खोलने के संबंध में आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार भोपाल जिले के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल अब 19 जून या इससे पहले नहीं खोले जाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार को कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है। बैतूल, हरदा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, रतलाम, देवास, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर, छतरपुर में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है।